लेट्स टाक अबाउट द राइटिंग बैक इन वॉज एन इंग्लिश लॉर स्टेट्स मैन एज हिस्टोरी इन इंटलेक्चुअल फॉर्म और इन मेनी मोर्ड लाइक यू कैन सी द चैंपियन ऑफ द मॉडर्न साइंसिस एज वर्ल्ड अबाउट इट्स राइटिंग स्टाइल इसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कंसिडर किया जाता है ऐसे इसके अंदर कुछ सर्टन डिस्टिंगटिव करेक्टरस्टिक्स होते हैं जो हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं इसकी क्लासीफिकेशन के बारे में इस कैसे में एफरिस्टिक स्टाइल होता है उसके स्टडी के तीन पर्पज होते हैं टू तो डिलाइट फॉर फॉर एंड फॉरबैलिटी ठीक है बेकिन कहते हैं कुछ किताबें होती हैं वो हमें डिजस्ट करनी चाहिए कुछ हमें रोशनी दिखाती है उसके अलावा उसके जो ऐसे है ना उसका फीचर है इम परसनैलिटी अरे यार यहाँ पे पर्सनल पर्सनल दो, दो दफा लिखा गया यानी कि उसने ना पर्सनल जो ओपिनियंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते तो उसकी राइटिंग के थ्रू दूसरा उसके ऐसे बहुत छोटे होते हैं भाई उसके ऐसेज में कोहेरेंस भी नहीं होती और डिवाइड नहीं होते पैराग्राफ के अंदर और कह सकते हैं कि हम इनको ऑब्जर्वेशनल कंसीडर कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव की नस्बत और इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही फॉर्मल है भाई ये जो फ्रांसिस बेकन था ना इसने इंट्रोड्यूस किया था न्यू स्टाइल प्रोज राइटिंग में कहता है कि जो एक तो शॉर्ट कॉन्साइज होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए थीम्स होते हैं उसको वर्ल्डली विज्म के साथ रिलेट करना चाहिए और रिदम और कोहेरेंस होनी चाहिए चलो जी आगे आ गया, आ गया। इसमें से जो समझने वाली चीज है ना वो है एपिग्राम एपिग्राम जो होता है ना ये शॉर्ट पोम है स्पेशली इसमें स्टर्कल वन है जिसमें यानी मतलब मजाक किया तौर पे आप किसी को ना तंज करते हो दूसरा वाला है इम परसनैलिटी का मतलब हैविंग नो पर्सनल रेफरेंस और कनेक्शन